स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से महात्मा बुद्ध के जो दो प्रवचन, दो उपदेश या फिर उनके जो बौद्ध दर्शन है उसके दो मूल एसेंशियल सूत्र है। प्रायः महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से प्रवचन में कहा करते थे कि मेरे दो ही मूल मंत्र हैं मेरे दर्शन के, मेरे फिलॉसफी के, कि दुख और दुख निरोध। ध्यान देना, जो भी हमारे YouTube के श्रोता हैं, जो आध्यात्मिक प्रेमी हैं और जिन लोगों की काफी लंबे समय से ये प्रतीक्षा रहती है कि गुरुदेव कभी कभी अध्यात्म पर बोलें, योग पर बोलें, आप जानते हैं जो संसारी जीव जंतु भी हैं, मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी, वो सभी नीचे के धरातल पे उनकी चेतना उतरी हुई है, अर्थात सेक्स के धरातल पर। तो उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सेक्स से रिलेटेड, चाहे वो बीमारियों से संबंधित हो गुप्त रोग के या फिर प्रवचन हो, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो अधिक बनाता हूँ, क्योंकि वो लोगों की समस्या है और लोगों का मनोरंजन भी है। कभी कभी जो गिने चुने लोग हैं, आप देखना, जो आध्यात्मिक वीडियो होते हैं उनको देखने वाले बहुत कम हैं, तो कम है तो वो वीडियो भी फिर कम ही बनेंगे जरूरत के हिसाब से। तो चलते हैं उस ओर। महात्मा बुद्ध प्रायः दो बातें कहते थे। बौद्ध दर्शन में मैंने पढ़ा है कि दुख और दुख निरोध, और इसको थोड़ा बारीक करते हुए उन्होंने कहा है कि दुख क्या है, ये संसार ही दुख है, और दुख निरोध क्या है, तो कहते हैं निर्वाण ही दुख निरोध है। उनके अनुसार मेरा अपना भी विश्लेषण होगा, जो मैंने प्रयोग किया, मैंने जो साधना किया उसके अनुसार भी मैं इस पे बोलूँगा, एक समीक्षात्मक विवेचना विश्लेषण होगा। वो कहते हैं कि संसार दुख है और एक दुख निरोध अर्थात निर्वाण। तो दुख से आप पार हो सकते हैं दुख को निरुद्ध करके, अर्थात जो संसार है वो दुख रूप है, ध्यान देना। लेकिन मैं यहां पर कहता हूं कि संसार दुख रूप नहीं है। अगर एक अज्ञात सत्ता ने, प्रकृति ने अगर संसार की रचना हुई है, जगत की रचना हुई है या की है या हुई है, हुई माने ऑटोमेटिकली, हुई है माने संकल्प पूर्वक, ईक्षण पूर्वक, एको हम बहुत श्यामा वेदांत का जो सूत्र है कि उस परमात्मा ने, उपनिषद कहता है, वेदांत कहता है, उस परमात्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, बहुत सा हो जाऊँ, उसके संकल्प मात्र से, सोच मात्र से सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ये एक उपमा अलंकारिक बात है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सृष्टि ऑटोमेटिकली हुई है, धीरे धीरे शनय शनय संसार की रचना हुई है, और धीरे धीरे ये विनाश की ओर भी जा रहा है। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती जाती है, एक चक्र है। तो इस चक्र को उन्होंने जो संसार बोला है और कहा यह दुख रूप है, लेकिन मैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी से सहमत नहीं हूँ। मैं महायोगी कृष्ण की फिलॉसफी से सहमत हूँ, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार एक निष्प्रह
एक निष्प्रह शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है आसक्ति रहित होना। संसार दुख रूप नहीं है, संसार तो अपनी जगह कार्य कर रहा है। लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इसमें दुख क्या, ये तो एक चक्र है। हाँ, जीवात्मा ने, हमने या तुमने संसार के भौतिक पक्ष को स्वीकार कर लिया है, भौतिक प्रक्रिया को अंगीकार कर लिया है, अर्थात जो दृश्य जगत है उससे हमने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, अर्थात उससे हमारा एक अटैचमेंट हो गया, एक स्प्रह हो गई, एक लगाव हो गया। और जब हमारा भौतिक जगत, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, दौलत के रूप में हो, शोहरत के रूप में हो, जब वो भौतिक जगत, हमारा संसार सूक्ष्म इनविजिबल अदृश्य जगत को प्राप्त होने लगता है तो हमें दुख होता है। अर्थात हमें जो सुख देने वाली चीजें हैं, अर्थात भौतिक जो चीजें हैं उनसे जो हमारा लगाव है, उस लगाव के कारण हम दुखी होते हैं। पत्नी दूर चली जाती है, पुत्र दूर चला जाता है, धन दौलत हमारी नष्ट हो जाती है तो हमें दुख होता है। हमने चूंकि जगत के सिद्धांत को, संसार की जो रचनात्मक और विकासात्मक या विध्वंसात्मक जो प्रक्रिया है, जो थ्योरी है, हमने उसको नहीं समझा, उसको ना समझने के कारण और आसक्ति के कारण संसार हमारे लिए दुख रूप हो जाता है। तो संसार परमात्मा ने बनाया है, वो दुख रूप कैसे हो सकता है? दुख का कारण हमारे अंगीकार से है, हमारी समझ से है। आपको प्रत्यक्ष चीजों से आपको लगाव हो गया है और जब वो प्रत्यक्ष चीजें दूर जाती हैं, प्रत्यक्ष में रूपांतरित होते हैं, तब आपको बेचैनी, व्याकुलता, दुख होता है। तो ये जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, ये दुख का कारण है। और ये जो आसक्ति होती क्यों है, इसको कहा है ब्रह्मसूत्र जो वेदांत है, अविद्या के कारण। अविद्या के कारण माने ठीक, माने वास्तविक समझ ना होने के कारण, जो एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए हमें प्रकृति के बारे में, मैटर के बारे में, भौतिक जगत की जो निर्माणात्मक और विध्वंसात्मक जो प्रक्रिया है, उसको हम या तो समझते नहीं हैं, या फिर समझना नहीं चाहते हैं, या हम अपनी आसक्ति और मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम दुख के शिकार हो जाते हैं, अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। तो अब इससे निकलें कैसे? तो इससे निकलने के लिए उन्होंने कहा है दुख निरोध, अर्थात दुख का निरोध किया जाए। दुख का निरोध कैसे होगा? केवल ये सूत्र पढ़ने मात्र से कोई नहीं समझ सकता है, इसके लिए आपको बहुत सारे दर्शन का सहयोग लेना पड़ेगा, फिलॉसफी को जोड़ करके। उन्होंने कहा दुख निरोधन निर्वाण, माने दुख जो दूर हो सकता है वो निर्वाण को प्राप्त होने के बाद ही, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होने के, छुटकारा होने के बाद ही। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं, महायोगी कृष्ण की फिलॉसफी कहती है दुख की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति से होगी, अज्ञान की निवृत्ति से होगी और विवेक की प्राप्ति से होगी। और विवेक कैसे प्राप्त होगा? वो होगा आपको योग साधना के द्वारा। आपको पता है ये सुख दुख किसके धर्म है? ये सुख और दुख आपके मन के धर्म है। मन कुछ नहीं है, ये कॉन्फ्लेक्टिव एक कंपोनेंट है, एक द्वंद्वात्मक एक घटक है।
सुख दुख मान और अपमान इस पे पूरी फिलॉसफी गीता की टिकी हुई है कि सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखे सुख और दुख दोनों को तू समान कर दे। तूने सुख को स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया और दुख से तुझे घृणा हो रही है। ये दोनों तो एक ऋतु चक्र की तरह दो बिंदु है, दो घटक है। जैसे ऋतु बदलती हैं ठीक इसी प्रकार से जो आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनसे आपको दुखद या सुखद परिस्थिति उत्पन्न हो रही है आपके जीवन में। योग सूत्र पतंजलि योग सूत्र अष्टांग दर्शन ये कहता है, अष्टांग योग कहता द्वंद्वान अनाभिघाता, ये मन जो है द्वंद्व है, निर्द्वंदो निर्द्वंद हो जा। निर्वाण कब मिलेगा तुझे? निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर हे महाभाव, हे अर्जुन निर्द्वंदो, तो निर्द्वंद हो जा। तो निर्द्वंद माने सुख और दुख, मान और अपमान, हानि और लाभ, जीवन और मरण, इन दोनों ये जो अवस्थाएं हैं जो कि शरीर और मन से जुड़ी हुई हैं केवल, न कि आत्मिक तल पर इनका कोई अस्तित्व है। इन अवस्थाओं से निर्द्वंद ही महाभाव, तो निर्द्वंद हो जा अर्थात जो मानसिक गुण धर्म है मन के पार हो जा। जब तक मन है तब तक दुख और सुख की अनुभूति तो होगी ना, और एक बार जैसे ही तुमने मन के पार का अनुभव कर लिया, वो झलक पार ली मन के पार की, मन के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ आनंद सुख नहीं, जब मन नहीं होता है तब वो परमानंदमय ब्रह्मी स्थिति अवस्था उत्पन्न होती है। आरंभ में वो क्षणिक होती है और वही ब्रह्मी अवस्था, वही आनंदमय अवस्था संभोग में भी उसकी झलक दिखाई देती है। इसलिए दिन रात मानव सहित जितने जीव कीटाणु हैं, वायरस हैं, प्रकृति के जितने भी जड़ चेतन जैविक जगत है, वो सब संभोग के लिए आतुर रहता है, संपर्क के लिए। संभोग माने दो विपरीत लिंगों के आपस में मिलन जब होता है तो एक आनंदमय झलक उनको अनुभव होती है। इसलिए संभोग में लगे रहना सबको अच्छा लगता है। 80 साल का बुढ़ा भी चाहता है कि एक बार भरपूर सेक्स कर लिया जाए, आधा घंटा एक घंटा, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसने आनंद की झलक, वो उसकी जो प्यास है वो संभोग से बुझी नहीं, क्योंकि वो तो झलक है। जब तक उसको आनंद की राशि नहीं मिल जाती, एक थोक में नहीं मिल जाती, उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक तो उसकी प्यास, उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो हठयोग के माध्यम से जो संभोग ऊर्जा है, जो संभोग करते समय जो आनंद की झलक अनुभूति होती है जीव के लिए, उसी को हठयोग के द्वारा, कुंडलिनी योग के द्वारा एक अनंत आनंद में बदलने का प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, बस और कुछ नहीं। ऊर्जा का रूपांतरण, संभोग ऊर्जा एक ही है, जब वही ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है तो संभोग कहलाता है, और जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर चलने लगती है, इसे आप कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, फिर वो एक ब्राह्मी अवस्थी परमानंद या समाधि को उपलब्ध होने लगता है, और एक समय आने पर वो निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो निर्द्वंद ही महाभाव, मन के बाहर पहुंचो ना, वो कहना दुख का निरोध, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दुख का निरोध कैसे हो, वो कहते हैं निर्वाण को प्राप्त करके, लेकिन निर्वाण है क्या, इसका विश्लेषण मैं कर रहा हूं। मन के पार की जो अवस्था है, चैतन्यमयी अवस्था, जो ब्राह्मी अवस्था है, जो डिवाइन स्टेज है, उसको उपलब्ध हो जाओ,
तो दुख का निरोध होगा। लेकिन जब तक तुम्हारी जगत से संसार से आसक्ति है तब तक ऐसा होना थोड़ा कठिन है, और आसक्ति से पार होने के लिए आसक्ति एक बैरिकेडिंग का कार्य कर रही है। अनासक्त होने के लिए आपको योग की साधना करनी होगी, ध्यान की साधना करनी होगी, कुंडली तंत्र हठ योग की साधना करनी होगी, या जो भी तुम्हारे पास पद्धति है, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें जो सिखाया है, अगर तुम उससे संतुष्ट हो और उससे तुम्हें गहरे और अच्छे विश्वास और अनुभव की प्राप्ति हो रही है, तो आप आगे सही दिशा में जा रहे हैं। करते रहिए, मैं नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे जुड़ो, क्योंकि हर गुरु और शिष्य का प्रकृति ने लेन देन रखा है। हमसे वही जुड़ेंगे जिनका लेन देन होगा। हम कितना भी आपको बुलाएंगे आप कभी नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ तुम सहमत हो, जहाँ तुम्हें संतुष्टि मिले, आप उनसे जुड़िए और अपने योग यात्रा को शुरू करिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं दुख संसार है और दुख निरोध निर्वाण से हो सकता है। योग सूत्र कहता है दुंदाना नाभिघाता, आसन की स्थिर आसन की सिद्धि होने पर आप द्वंद के पार जा सकते हैं। यह पतंजलि योग सूत्र में टेक्निक बताइए। अगर आपको आसन सिद्ध हो जाता है तो आप इन द्वंद के पार अर्थात तो मन के पार जा सकते हैं। बड़े आसान प्रक्रिया है, लेकिन लोगों ने इतना शास्त्रों के ऊपर इतनी टीकाएं विश्लेषण किया जो अनुभवहीन है, केवल जो किताबें पढ़ के ही बोलते सुनते हैं, उन्होंने बकवास बना दिया, लोगों को शब्दों की भूल भुलैया में फंसा के रख दिया। जबकि दर्शन तो बहुत आसान है, ये प्रयोग का विषय है, और जिसने योग का प्रयोग ठीक से कर लिया और शास्त्रों की गुत्थी को बड़े आसानी से समझ सकता है और दूसरों को समझा भी सकता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। और हाँ, एक बात और, अभी जो है कुछ नवरात्र का समय चल रहा है, तो जो हमारे व्यक्तिगत प्रेमी हैं, शिष्य लोग हैं, जो दिल के करीब हैं, भावनाओं के करीब हैं, कभी कभी उनसे हमारा दैनिक संवाद होता था, लेकिन आजकल फ़ोन पे 99% हमने संवाद बिल्कुल बंद कर दिया है। और कुछ हटियों की एकांतिक साधना में अपने आप को व्यस्त रखने की हम चेष्टा कर रहे हैं, ताकि बैटरी चार्ज होना ही चाहिए और ताकि हम आप लोगों को, समाज को कुछ बेहतर दे सकें। पता चली दूसरों का इलाज करते करते डॉक्टर खुद बीमार हो गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, इसलिए डॉक्टर को भी केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। समय समय पे उसको भी अपनी रेखी करते रहना चाहिए, ट्रीटमेंट उसको भी लेते रहना चाहिए। तो उस चिंतित ना हो, अगर 1% जो बहुत ही अर्जेंट होगा तब मैं किसी से कॉल पे बात कर सकता हूँ, 1% संभावना। बाकी आपको कुछ कहना सुनना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ओम शांति, ओम क्रांति।